हमारे पास जो है वो हम कहाँ तक बात करते हैं, हम कह रहे थे कि अच्छा क्या हो रहा है कि अपनी स्टेबल लाइफ जो है ना वो स्पेंड होने के बाद हाइड्रोजन का कंटेंट हो जाएगा कम स्टार में से। एक टाइम के बाद ज़ाहिर है इतना रिएक्शन होगा तो बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, लेकिन हाइड्रोजन कम होना शुरू होगी। जब हाइड्रोजन कम होना शुरू होगी तो फिर क्या होगा, रिएक्शन जो है आपके ज़ाहिर है फ्यूजन का रिएक्शन भी डिस्टर्ब होगा। फिर हीलियम जो है वो रिएक्ट करेगी किससे, अदर पार्टिकल्स से, अदर हैवी पार्टिकल्स से जो स्टार के अंदर मौजूद होंगे। हाइड्रोजन तो खत्म होना शुरू हो रही है और वो क्या करेगी, फिर हीलियम रिएक्ट करते करते कहाँ तक पहुंच जाएगी, सरफेस तक, कोर में रिएक्शन हो रही है। ये सारा रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है, कोर में हो रहा होता है, इसकी वजह से स्टार बना हुआ रहता है। और जब कोर में हाइड्रोजन खत्म तो फिर बाहर की तरफ रिएक्शन शुरू होगा। जब बाहर की तरफ रिएक्शन शुरू होगा तो क्या होगा, हीट जो है वो बाहर ट्रैवल करना शुरू करेगी। जब हीट बाहर ट्रैवल करना शुरू करेगी तो होगा क्या, होगा ये कि आपकी अब जो है वो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्योंकि और मोर हैवियर ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्शन करेगी हीलियम, हाइड्रोजन तो अब नहीं है, तो न्यू रिएक्शन फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो आसपास होंगे। तो जब हैवी और ऑब्जेक्ट्स होंगे तो रिएक्शन भी और हैवी होगा और डेंस हो जाएगा वहां पर। तो अब आपका प्रेशर बढ़ेगा किससे ज्यादा, ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा थी, अब प्रेशर ज्यादा है। अब क्या करेगा प्रेशर, क्या कोशिश करेगा, आप बाहर की तरफ जाएं, एक्सप्लोर करें बाहर, ठीक है। तो आपका जब पहले आप अंदर रोक के रखे हुआ था ना अपने अपने स्टार को, वो किससे रोक के रखा हुआ था, जो कॉन्सेंट्रिक जो सेंटर के अंदर कोर के अंदर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड थी, अब वो तो खत्म हो गई, हाइड्रोजन खत्म हो रही है आपकी। तो अब क्या हो रहा है, अब आपकी एक्सपेंशन फोर्स बढ़ेगी और ये कोशिश करेगी आपके साइज ऑफ द स्टार को बड़ा करे और सरफेस तक ले जाए टेम्परेचर को। पहले टेम्परेचर कहाँ था, सेंटर में था, सेंटर में था तो हाई टेम्परेचर के साथ फ्यूजन होता रहता था। अब सरफेस पे पहुंचेगा तो क्या होगा, सरफेस पे पहुंचेगा तो टेम्परेचर रिलीज होगा, चार ठंडा होना शुरू हो जाएगा, चार बड़ा तो होगा लेकिन ठंडा भी होना शुरू हो जाएगा। चीज बड़ी होती तो हीट लॉस करती है ना अपने अंदर से, मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। तो यही इसके साथ हो रहा है, स्टेबल स्टार से रेड जायंट में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा, लो और मीडियम साइज स्टार, लो और मीडियम साइज स्टार अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड जायंट में। और रेड जायंट में क्या हो रहा है, सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक्सप्लोड होगा, एक्सप्लोड होगा तो सराउंडिंग में क्या करेगा, वो सारी हीट को लॉस कर देगा। जब सराउंडिंग में सारी हीट को लॉस कर देगा तो क्या होगा, इसका अपना टेम्परेचर रिड्यूस होगा, कम हो जाएगा, इसके अंदर से हीट कंटेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कम होना शुरू होगा, फ्यूजन भी कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर ही खत्म हो गया तो फ्यूजन चलेगा ही नहीं, फ्यूजन कम होते होते क्या हो जाएगा, फ्यूजन रिड्यूस होगा और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से नेब्यूला में। जो रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्शन खत्म हुआ, अभी प्लेनेटरी नेब्यूला में आ गया। इसका नाम प्लेनेटरी नेब्यूला सिर्फ रखा है सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लेकिन जो इनिशियल नेब्यूला था वो नहीं है, ये वाला है खत्म होते वाला नेब्यूला। जाहिर है दोनों के एनर्जी में फर्क होगा, कॉन्टेंट में फर्क होगा, लेकिन अब ये नेब्यूला बन गया है। नेबुला क्या है, इसमें अभी हीट नहीं है, एनर्जी नहीं है, मास है लेकिन एनर्जी नहीं है। अब ये नेबुला जो है वो कम होते होते रिड्यूस होते होते किस में चला गया, नेबुला चला गया वाइट डॉर्फ में। वाइट डॉर्फ क्या है, वाइट डॉर्फ सिर्फ एक सेंटर पॉइंट है, कोर है, यानी कि सराउंडिंग खत्म, अब सिर्फ कोर रह गई है। तो क्या हो रहा है, ये आपके पास जो मीडियम जो स्टेबल स्टार था ना, स्टेबल स्टार कन्वर्ट हो गया रेड जायंट में। कैसे कन्वर्ट हुआ रेड जायंट में, के इसके अंदर जो एक्सपेंशन फोर्स थी वो बढ़ गई है, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो गया है तो आपके पास रिएक्शन हीलियम का आउटर साइड वाले एटम से होगा, मॉलिक्यूल से होगा। तो क्या हो रहा है, अब आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स कम हो गई और प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि अब बड़े ऑब्जेक्ट से रिएक्शन हो रहा है आपके साथ, जिसमें आपके पास कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो सराउंडिंग में एयर मौजूद होंगी, गैसेज मौजूद होंगी, ठीक है। तो अब जब डेंसिटी हाई हो गई, मास हाई हो गया तो प्रेशर हाई हो जाएगा, मास प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन वो है ना एरिया है ना। तो अब क्या होगा, अब आपकी ग्रेविटेशन फोर्स कम पड़ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं तो हाइड्रोजन की ग्रेविटी नहीं है, और प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर कोशिश करेगा अब बाहर की तरफ टेम्परेचर ट्रांसफर हो, सारा टेम्परेचर वो बाहर ले जाएगा और सरफेस पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन की वजह से सराउंडिंग में स्पेस में गैसेज रिलीज होंगी और अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा, फ्यूजन कम होना शुरू हो जाएगी, फ्यूजन खत्म होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ये दोबारा नेबुला में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फर्दर नेबुला से डॉर्फ में कन्वर्ट होगा। डॉर्फ क्या है, एक कोर है, सेंटर पॉइंट है, सिर्फ पॉइंटेड है, पॉइंटेड एरिया है और छोटा स्टार हो जाएगा खत्म। और डॉर्फ से होते होते ये ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो गया। ब्लैक डॉर्फ का मतलब है कि ये आयरन बन गया, किसमें चला गया, आयरन। तो जो फ्यूजन है ना, फ्यूजन रिएक्शन मैक्सिमम आयरन बनाता है। फ्यूजन में क्या होता है, हम हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को इंट्रैक्ट करवाते हीलियम बनता है। अब हीलियम को किसी और से इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ और बनेगा, उसको कुछ और से करेंगे, किसी और से रिएक्ट करेंगे तो कुछ और बनेगा। तो यहाँ हो ही रहा है, जब आपकी हाइड्रोजन खत्म हो रही है तो फिर आपके नेक्स्ट मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा बेटा।
4 तक हो जाएगी, 4 सवा 4 तक, 4 सवा 4 तक हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जब आपका रिएक्शन चेंज हो रहा है, अब जाहिर है आपके पास हीलियम नहीं बन रहा, हाइड्रोजन से कन्वर्ट होके, तो फिर और मटेरियल बनेंगे, तो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन, करते करते मैक्सिमम जो पीरियोडिक टेबल में आप फ्यूजन रिएक्शन से बना सकते हैं ना, वो बना सकते हैं आयरन। आयरन मीन्स इट इज ब्लैक ऑफ नाउ, अब रिएक्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे आके एनर्जीज खत्म, यहाँ पे आके आपके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप एक्टिनम और लेंथेनम तक पहुंच गए, पूरा पीरियोडिक टेबल बना रहे हो, नहीं, ये एक लिमिट है इस फ्यूजन रिएक्शन की भी, कि ये आयरन तक पहुंचेगा और रिएक्शन फिर इसका खत्म हो जाएगा, फर्दर कुछ और नहीं बनाया गया। ये किस केस में है आपके पास, ये है आपके पास मीडियम साइज या स्मॉलर साइज ऑफ स्टार्स में। अब बात करते हैं जाइंट साइज की ना, लार्जेस्ट साइज की जी, फिर ये ब्लैक डॉफ रहेगा अनटिलनेस की इसके साथ फिर कोई नेबुला मिलके रिएक्शन करे और उसके बाद फिर इसको कोलैप्स करवाए और ऑल दैट। ठीक है, अब आप बात करते हैं हाई मासेस या मैसिव स्टार्स की, मेन सीक्वेंस से अब आपके पास हाई मासेस वाले किस में कन्वर्ट होंगे, रिएक्शन वही होगा, सेंटर जो है वो आपका जो है वहाँ से हाइड्रोजन खत्म होता जाएगा, एक्सप्लोजन शुरू होना शुरू होगा। अब क्या हो रहा है, जब लार्जर मास वाले या स्टार होंगे तो उनके पास कंजम्पशन होगा, हाइड्रोजन भी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होना शुरू होंगे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन विल रन आउट मोर फास्टली एज कम्पेयर विद द मीडियम साइज लो साइज स्टार। तो इसमें क्या होगा, फिर इसमें और तेज़ी से इनके पास एक्सप्लोजन होंगे, और तेज़ी से टेम्परेचर जो है वो सरफेस पर ट्रैवल करेगा, तो सरफेस पर ट्रैवल करेगा तो उससे ज़्यादा, यानी कि रेड जाइंट से बड़ा स्टार बनाएंगे ये, क्योंकि ज़ाहिर है टेम्परेचर सरफेस पे इससे ज़्यादा आ रहा है, तो ये जो बनाएंगे ना रेड सुपर जाइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये रेड सुपर जायंट, इसका रेड देखो इसके रेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर यहाँ देखें इसका रेड ऊपर वाले रेड जायंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, रेड कलर का मतलब टेम्परेचर कम हो गया है ना, रेड कलर का मतलब टेम्परेचर इज रिड्यूस, पहले क्या था, पहले स्टेबल स्टार था, वो येलोइश में जा रहा होगा, ठीक है, ब्लूइश से येलोइश की तरफ जा रहा होगा, ये क्या है, ये रेड पे आ गया, तो इसका मतलब इसने टेम्परेचर रिड्यूस किया है, इंटरनल टेम्परेचर रिड्यूस किया है और सरफेस का बढ़ा दिया, सरफेस पे इसने भेज दिया टेम्परेचर, एक्सप्लोजन हुआ, आउटर स्पेस में क्या हुआ, गैसेज रिलीज हुई, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सुपरनोवा में, किसमें कन्वर्ट हो गया ये, सुपरनोवा में। अब सुपरनोवा जो है ना, सुपरनोवा के अंदर जो आपके पास क्या है, रिएक्शंस होंगे, ये कन्वर्ट फर्दर कन्वर्ट भी होगा ना, सुपरनोवा फर्दर कन्वर्ट होगा, लेकिन सुपरनोवा के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना वो स्पिन फॉर्म में हो रहे हैं, यानी कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना वो खुद भी रोटेट कर रहे हैं अंदर, तो इसलिए सुपरनोवा दो डिफरेंट किस्म की जो है आपके स्टार्स देगा आपको, एक आपको न्यूट्रॉन स्टार देगा, न्यूट्रॉन स्टार इज नथिंग बट अ रोटेटिंग स्टार, इल्यूमिनेटेड रोटेशन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार को ना यूजुअली आप इसमें ये एक रेडिएशन निकल रही होती है, रेडियो वेव निकल रही होती है, इसमें से इल्यूमिनेट हो रहा होता है, ये चमक रहा होता है, इसको बेसिकली लोग मेजर करते हैं कि इससे कितना ज़्यादा कोई चीज़ ग्लो कर रही है, इससे कम कितनी ग्लो कर रही है, इसको बेंचमार्क लेते हैं यूजुअली, तो इसमें से रेडियो वेव भी इमिट हो रही होती है, ग्लोइंग आपको दिख रही होती है, ये क्या करता है, इसके अंदर ना रोटेशन हो रही होती है, इसके अंदर स्पिन हो रहा होते हैं, जो भी इसके वो होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, जिन न्यूट्रॉन्स होते हैं वो स्पिन हो रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं स्पिनिंग में, और इसका दूसरी फॉर्म, इसमें दो क्यों निकल रहे हैं, इसके अंदर भी जो स्मॉलर साइज सुपरनोवा होता है ना, ये मीडियम साइज सुपरनोवा होता है, वो देता है आपको न्यूट्रॉन स्टार, और जो लार्जेस्ट साइज में सुपरनोवा होता है ना वो आपको देता है ब्लैक होल। ब्लैक होल का मतलब क्या है कि उसमें ग्रेविटी इतनी हाई होती है कि कोई भी चीज़ अगर उसमें चली जाए ना फिर वो वापस नहीं आती, ब्लैक होल की जो थ्योरी है वो यही है, ये तमाम स्पेस आपकी जो वो है एनर्जीज है ना, एनर्जीज को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, एनर्जी एब्जॉर्बर है, बेस्ट एनर्जी एब्जॉर्बर कहलाता है, ब्लैक होल की जितनी एनर्जीज के अंदर जाएंगी ना वो स्टोर कर लेगा, सिंक है, एनर्जी सिंक कहलाता है बेसिकली ब्लैक होल। तो ये ब्लैक क्यों हुआ है, ब्लैक कलर क्या है, हाइएस्ट टेम्परेचर की स्टेट होती है ब्लैक, तो इसने इतनी एनर्जी स्टोर कर ली है, इतना टेम्परेचर बढ़ा लिया अपना कि अब ये ब्लैक हो गया, और इसका कलर इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा एक्सट्रीम कलर पॉसिबल ही नहीं, ब्लैक कलर इज व्हाट, टेक्निकली ब्लैक कलर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल एनर्जीज एंड नो रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी, ब्लैक एंड वाइट आर एक्चुअली नॉट कलर्स, दे आर बेसिकली आ फिनोमेना, रिजल्ट ऑफ अ फिनोमेना, वाइट कलर रिप्रेजेंट दैट ऑल द लाइट हैज बीन रिफ्लेक्टेड एंड ब्लैक इज द फिनोमेना दैट ऑल द लाइट और एनर्जी हैज बीन एब्जॉर्ब। ठीक है, दिस दीज कलर कम्स आउट विद दिस फिनोमेना, ठीक है, बात समझ में आती है, रिजल्ट ऑफ दिस फिनोमेना, तो यहाँ तक लाइफ साइकिल समझ में आई स्टार की,
ये स्टार कैसे बॉन्ड होता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे डेड होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें अगर मुझे लिखवानी है तो मैं आपको नोट भी करा दूं। डेथ ऑफ द स्टार हमने देख ली, कुछ डेथ ऑफ अ स्टार के यूजली लोग जो है ना कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कुछ पॉइंटर्स आपको लिखवा दूं जो थोड़ा से आपको ना याद करने में आसानी रहेंगे। और वैसे नोट्स में सब लिखा हुआ है, लेकिन एक एज अ नोटिस आपको बता दूंगी ताकि आपको जो है ना उसको रिकॉल करने में आसानी रहे। देखिए हेडिंग डालें, डेथ ऑफ अ मीडियम और स्मॉल साइज स्मॉल मास स्टार। डेथ ऑफ अ मीडियम और स्मॉल मास स्टार, स्मॉल मास स्टार, डेथ ऑफ अ मीडियम और स्मॉल मास स्टार। देखिए द हाइड्रोजन फ्यूल इन द कोर बिगेन्स टू रन आउट, पॉइंट नंबर वन लिखें। द हाइड्रोजन कोर, द हाइड्रोजन फ्यूल इन द कोर बिगिन्स टू रन आउट, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखे, द हैवियर एलिमेंट्स इन द कोर बिगिन टू फ्यूज, सेकेंड पॉइंट लिखे, द हैवियर एलिमेंट्स इन द कोर बिगिन्स टू फ्यूज एंड टेम्परेचर ऑफ द कोर राइजेस, द हैवियर एलिमेंट्स इन द कोर बिगिन टू फ्यूज एंड द टेम्परेचर ऑफ कोर राइजेस। ये सारा आपके कोर्स का पार्ट ही है, पूरी रिकमेंडेड बुक्स के पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने गैदर किए कि आप एक तरफ लिख लें, फिर बुक पढ़ने का टाइम हो तो बुक भी पढ़िएगा। बिगिन टू फ्यूज एंड टेम्परेचर ऑफ कोर राइजेस। थर्ड पॉइंट लिखें, दिस हाई टेम्परेचर कॉजेस, दिस हाई टेम्परेचर कॉजेस हाइड्रोजन ऑन द सर्फेस, दिस हाई टेम्परेचर कॉजेस हाइड्रोजन ऑन द सर्फेस ऑफ स्टार टू फ्यूज, दिस हाई टेम्परेचर कॉजेस हाइड्रोजन ऑन द सर्फेस ऑफ स्टार टू फ्यूज एज वेल इन टू हीलियम। देखिए अब क्या हो रहा है कि देखो पहले हैवियर एलिमेंट्स का फ्यूज हुआ, अब हाइड्रोजन जो सरफेस पे भी होगी ना वो भी इसके साथ फ्यूज हो रही है, हीलियम भी बना रही है साथ साथ हैवी ऑब्जेक्ट भी बना रही है, डबल फ्यूजन फ्यूजन चल रहा है। दिस टेम्परेचर कॉजेज हाइड्रोजन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टार टू फ्यूज एज वेल इन टू हीलियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कोर बिकम्स डेंसर एंड इट ग्रोज, द कोर बिकम डेंसर एंड इट्स स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड, द कोर बिकम डेंसर एंड इट्स स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड कीप्स इट कोलैप्सिंग, कोर बिकम्स डेंसर एंड इट्स स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड कीप्स इट कोलैप्सिंग। इसके बाद लिखें, द सर्फेस गैसेस एक्सपेंड, द सर्फेस गैसेस एक्सपेंड एंड कूल, एक्सपेंड एंड गेट्स कूल, सर्फेस गैसेस एक्सपेंड एंड गेट कूल ड्यू टू लार्ज एक्सपेंशन फोर्स, द सर्फेस गैसेस एक्सपेंड एंड गेट कूल ड्यू टू लार्ज एक्सपेंशन फोर्स एंड टर्न इनटू रेड जाइंट, एंड टर्न इंटू रेड जाइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सिक्स्थ वन, सिक्स पॉइंट है ना ये, एट अ पॉइंट व्हेन द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई इन द कोर, एट अ पॉइंट व्हेन टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई इन द कोर,
कॉमा एन एक्सप्लोजन कॉजेज, एन एक्सप्लोजन कॉजेज सरफेस गैसेस, एन एक्सप्लोजन कॉजेज सरफेस गैसेस टू एक्सपेल, टू एक्सपेल इनटू आउटर स्पेस, टू एक्सपेल इनटू या टू स्प्रेड इनटू आउटर स्पेस, फुल स्टॉप। दस आप प्लेनेटरी ने, सही वाला पॉइंट, जी क्या बोल रहे हैं? ये वाला पॉइंट एक दफा स्टार्ट से रिपीट करते हैं। ओके देखिए, एट अ पॉइंट व्हेन द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई इन द कोर, एट अ पॉइंट वेयर टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई इन द कोर कॉमा एन एक्सप्लोजन कॉजेज सरफेस गैसेस टू एक्सपेल, एन एक्सप्लोजन कॉजेज सरफेस गैसेस टू एक्सपेल इन इन द आउटर स्पेस, एक्सपेल इन द आउटर स्पेस। फुल स्टॉप। दस आ प्लेनेटरी नेबुला, दस आ प्लेनेटरी नेबुला रिमेन्स, प्लेनेटरी नेबुला रिमेन्स यानी कि ये जब एक्सप्लोजन हो गया तो अब सिर्फ प्लेनेटरी नेबुला रह गया, बाहर का सरफेस का सब खत्म हो गया ना, सब एक्सप्लोड होके स्पेस में चले गए, ठीक है, सिर्फ एक सेंटर पॉइंट रह गया। तो प्लेनेटरी नेबुला रिमेन्स, इट सेंटर हैज द कोर ऑफ स्टार कॉल्ड अ वाइट डॉर्फ। अब इस नेबुला के जो बीच में सेंटर पॉइंट है ना, वहां पर कोर है जिसको वाइट डॉर्फ कहते हैं। इट सेंटर हैज द कोर ऑफ स्टार कॉल्ड अ वाइट डॉर्फ, इट इज वाइट ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर, फुल स्टॉप। लास्ट पॉइंट लिखें, इवेंचुअली, इवेंचुअली व्हेन फ्यूजन रिएक्शंस, इवेंचुअली व्हेन फ्यूजन रिएक्शंस कम टू एंड, इवेंचुअली व्हेन फ्यूजन रिएक्शंस कम टू एन एंड दे टर्न इनटू ब्लैक ड्वार्फ्स। Eventually, when fusion reactions come to an end, comma, they turn into black dwarfs. They turn into black dwarfs. Full stop. These dwarfs mainly contain These dwarfs mainly contain heavier elements like iron. These dwarfs mainly contains heavier elements like iron. अच्छा नेक्स्ट लिखें, डेथ ऑफ अ हाई मास स्टार, इसकी हेडिंग डालें, डेथ ऑफ अ हाई मास स्टार। लिखें डेथ ऑफ अ हाई मास स्टार, पॉइंट वन लिखें, दे हैव मासेस मोर देन 8 टाइम्स दैट ऑफ सन, दे हैव मासेस मोर देन 8 टाइम्स दैट ऑफ सन। सेकेंड पॉइंट लिखिए, फ्यूजन रिएक्शन इन दैम गो एट अ हायर रेट, फ्यूजन रिएक्शन इन दैम गो एट अ हायर रेट
एज सून एज दे स्टार्ट टू रन आउट ऑफ हाइड्रोजन, एज सून एज दे स्टार्ट टू रन आउट ऑफ हाइड्रोजन। एज सून एज दे स्टार्ट टू रन आउट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये लिख चुके हैं। फ्यूजन रिएक्शन इन देम, ये हो गया ना, व्हेन हाइड्रोजन डिक्रीजेस, व्हेन हाइड्रोजन डिक्रीजेस कॉमा हीलियम स्टार्ट्स टू फ्यूज, व्हेन हाइड्रोजन डिक्रीजेस कॉमा हीलियम स्टार्ट्स टू फ्यूज एंड फॉर्म हैवियर एलिमेंट्स लाइक कार्बन एसेट्रा। अब देखो ना, हाइड्रोजन अगर खत्म हो रही है तो अब हीलियम जो है वो डिफ्यूज होके बाकी नए नए एलिमेंट्स आपको बना के दे रही है, जिसमें हमने बताया था मैक्सिमम आयरन तक जाता है। ठीक है, डिफ्यूजेस एंड फॉर्म हैवियर एलिमेंट लाइक कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हीट प्रोड्यूस कॉजेस सरफेस हाइड्रोजन टू फ्यूज, हीट प्रोड्यूस्ड कॉजेस सरफेस हाइड्रोजन टू फ्यूज एज वेल एंड एक्सपेंड। हीट प्रोड्यूस्ड कॉजेज सरफेस हाइड्रोजन टू फ्यूज एज वेल एंड एक्सपेंड। हीट प्रोड्यूस्ड कॉजेज सरफेस हाइड्रोजन टू फ्यूज एज वेल एंड एक्सपेंड, फुल स्टॉप। द कोर कोलैप्सेस फर्दर ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स, द कोर कोलैप्सेस फर्दर ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द स्टार टर्न्स इनटू अ रेड सुपर जायंट, द स्टार टर्न्स इनटू अ रेड सुपर जायंट ब्रैकेट में लिखें लार्जर साइज ड्यू टू लार्जर मास। ठीक है भाई, क्योंकि इनका ओरिजिनली जो है वो स्टेबल स्टार का साइज बड़ा था, तो सुपर जायंट का भी साइज बड़ा होगा। ठीक है, द स्टार टर्न टू अ रेड सुपर जायंट ब्रैकेट में लिखे लार्जर साइज ड्यू टू लार्जर मास। नेक्स्ट पॉइंट है इवेंचुअली, इवेंचुअली कॉमा व्हेन एलिमेंट्स फ्यूज, व्हेन एलिमेंट्स फ्यूज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आयरन फ्यूजन रिएक्शंस, इवेंचुअली व्हेन एलिमेंट्स फ्यूज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आयरन फ्यूजन रिएक्शंस, फ्यूजन रिएक्शंस एंड इन द फॉर्म ऑफ एंड, मतलब ई एन डी, एंड्स वो वाला एंड, एंड इन द फॉर्म ऑफ अ लार्ज एक्सप्लोजन कॉल्ड अ सुपरनोवा। वहां पर लार्ज, वहां पर एक्सप्लोजन हो रहा था स्मॉल मास में तो क्या बनता था, नेबुला, प्लैनेटरी नेबुला। यहाँ पर जाहिर है लार्ज एक्सप्लोजन हो रहा है तो सुपरनोवा बनेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखे द एनर्जी एंड लाइट प्रोड्यूस इज वेरी हाई, द एनर्जी एंड लाइट प्रोड्यूस इज वेरी हाई सच दैट, एनर्जी एंड लाइट प्रोड्यूस्ड इज वेरी हाई सच दैट इवन आयरन, सच दैट इवन द एनर्जी एंड लाइट प्रोड्यूस्ड इज वेरी हाई सच दैट इवन आयरन फ्यूज टू फॉर्म हैवियर एलिमेंट्स, सच दैट इवन आयरन फ्यूज टू फॉर्म हैवियर एलिमेंट्स। Which expel in outer space, which expel, yeah, spread in outer space, as clouds slash nebula. एज क्लाउड्स स्लैश नेबुला।
भाई, ये हो गया हमारा सारा जो केस है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार का। के बाद एक टॉपिक देखना है हमने। हम बात करेंगे गैलेक्सी की। गैलेक्सी क्या होता है? अगर आप गैलेक्सी को देखें, व्हाट इज गैलेक्सी? एनी आइडिया? चॉकलेट के अलावा बोलूं? बेसिकली कॉम्बिनेशन है जो कंटेन करता है प्लैनेट, स्टार्स और अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वेरी गुड। तो उसको लिखें, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट, नेब्यूला, मीटियोराइड्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, नेब्यूला, मीटियोराइड्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल की स्पेलिंग अगर नहीं पता तो लिख लें, CELESTIAL, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखें, इट इज अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस, इट इज अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट विच कंटेन्स स्टार्स, विच कंटेन्स स्टार्स कॉमा प्लैनेट्स, विच कंटेन्स स्टार्स कॉमा प्लैनेट्स, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखें, इट इट इज